नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जी हां, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है हम लोग झंझारपुर के ब्लू हेवन होटल में आए हुए हैं, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो है सभी ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं और अलग अलग जगह से अलग अलग गाँव से सभी ब्राह्मण आए हुए हैं और अपना जो हक की लड़ाई है उस हक की लड़ाई के लिए आए हुए हैं। और आपको बता दें कि ब्राह्मण महासभा के द्वारा जो है ब्राह्मण स्वाभिमान आंदोलन चलाया जा रहा है। ब्राह्मण महासभा संगठन से जो जुड़े हुए हैं सभी ने अपना अपना जो है विचार रखा है। इसी दौरान जो है हमने कई लोगों से भी बातचीत की है और उनसे ये जानने की कोशिश की है कि जो ब्राह्मण महासभा है आखिर वो क्या है और इस बारे में जो है उनका क्या विचार है, आखिर जो ये ब्राह्मण महासभा संगठन है ये किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है। 25 दिसंबर है यानी कि आज जो है ब्राह्मण महासभा के द्वारा जो है स्वाभिमान सम्मेलन चलाया जा रहा है। इसी दौरान जो है बेनीपट्टी के जो वर्तमान में विधायक है वो भी आए हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस बारे में जो है क्या कुछ कहा है, साथ ही इस बारे में जो हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं उनसे आगे की जानकारी लेंगे। झंझारपुर के ब्लू हेवन होटल में आज ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह ब्राह्मण महासभा और परशुराम सेवा संस्थान के संयुक्त प्रयास के द्वारा किया जा रहा है। आपको पता है कि ये ब्राह्मणों का यह संगठन 16-17 साल पहले झंझारपुर में ही इसका स्थापना किया गया था और आज के तिथि में 38 जिले और 13 राज्य में यह संगठन काम कर रहा है। और इसी संगठन में आज के कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी के रूप में रहने वाले गौतम झा से मैं जानना चाहूंगा कि आज के इस सम्मेलन स्वाभिमान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है और झंझारपुर में इसे क्यों किया जा रहा है। गौतम जी स्वागत है आपका, बताइए। ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन जो आज झंझारपुर NH57 के किनारे ब्लू हेवन होटल में आयोजित है, उसमें बिहार के 38 जिला से दर्जनों की संख्या में ब्राह्मण लोग पहुंचे हुए हैं और ये करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि सत्ता में हम लोग पहले तो अपना संस्कार सुधारें। ब्राह्मण लोगों में भी थोड़ा कमी आ गया है, उनके संस्कारों में शिक्षा दीक्षा गरीबी पलायन आदि समस्या है। यहाँ पर मेन है कि संस्कार सुधारते हुए और समाज में ब्राह्मण को जो पहले गौरव प्राप्त था समाज में वही गौरव फिर ब्राह्मण को प्राप्त हो, इसके लिए ब्राह्मण का स्वाभिमान को जगाने के लिए इस उद्देश्य से झंझारपुर के ब्लू हेवन होटल में जो NH57 के किनारे सिमरा पंचायत के मोहना में अवस्थित है वहाँ पर किया जा रहा है। और बिहार के 38 जिला से कुछ न कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं और अभी यहाँ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय विनोद नारायण झा जी जो पूर्व मंत्री हैं वो यहाँ पधारे हुए हैं, अब उनका कुछ देर में भाषण होगा। झंझारपुर के पूर्व प्रखंड प्रमुख अनूप कश्यप जी हैं, ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष झा जी हैं, हमारे बगल में ललित झा जी हैं कार्यक्रम के संयोजक। मेन उद्देश्य है कि ब्राह्मण के स्वाभिमान को जगाने के लिए ऐसा कार्यक्रम झंझारपुर में किया गया है। जी धन्यवाद। 16 या 17 साल पहले झंझारपुर की धरती पर एक सपना देखने वाले इंजीनियर आशुतोष कुमार झा जी का नाम आज राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बना चुका है। जी हाँ, 17 साल पहले इन्होंने ब्राह्मणों को एकजुट करने और उनके स्वाभिमान को जगाने का जो संकल्प लिया था आज ये सभा बता रही है कि वो संकल्प अपने उच्चतम रूप की ओर बढ़ने के लिए बढ़ चुका है। आपका स्वागत है आशुतोष जी। धन्यवाद। आज इस सम्मेलन के बारे में कुछ बताएं। यह अटल जी और मालवीय जी के जयंती उत्सव पर हम लोग ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन की श्रृंखला प्रारंभ किए हैं। यह सिर्फ सम्मेलन नहीं है, सम्मेलनों का श्रृंखला प्रारंभ हुआ है और यह लगातार अनवरत चलता रहेगा। इसकी दूसरी कड़ी मधुबनी में टाउन क्लब फील्ड में 19 फरवरी को है, लेकिन अभी सुपौल के हमारे संगठन के लोग आए तो उन्होंने कहा कि चूंकि 19 फरवरी को शिवाजी जयंती है, उन्होंने कहा कि ललित बाबू की जयंती है वही मनाएंगे, तो हुआ कि सुपौल में 2 फरवरी को ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन पहले हो जाएगा, फिर मधुबनी में होगा और उसके बाद 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन राज मैदान दरभंगा में हम लोग 1,00,000 ब्राह्मणों को फरसा वगैरह के साथ सम्मेलन करेंगे और पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने का मुद्दा मिथिलांचल रखती है वह स्थापित करेंगे। आज आपका यह संगठन बिहार के 38 जिला और जहां तक अगर मुझे सही जानकारी है तो 13 राज्य में पहुंच चुकी है, आगे भी आपको ले जाना है। गाहे बगाहे
आप पर यह भी आरोप लगता है कि आप जातीय संगठन और जाति की राजनीति पर बढ़ चले हैं, क्या कहना है आपका? जो लगता है उसको हम स्वीकार करते हैं। यदि किसी को ये लगता हो कि हम जातीय राजनीति करते हैं तो वह समझें कि हाँ हम करते हैं। यदि इस देश में किसी जाति की राजनीति चलती है तो ब्राह्मण की भी चलेगी, एक बार। दूसरा रहा क्या कि ब्राह्मण तो सर्वे भवंत सुखना के लिए जाना जाता है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए ही काम करता है, राष्ट्र प्रेम के लिए दधीची ने अपना हड्डी दान कर दिया। हम तो उसके वंशज हैं, हम कोई भेदभाव करने की राजनीति नहीं करते हैं जैसा अन्य जाति करते हैं। हम तो पूरे देश को विश्व के पटल पर स्थापित करने का संकल्प लेने वाले ब्राह्मण हैं। इसलिए यदि लगता है किसी को कि हम जातीय करते हैं तो वही जातीय करना भी चाहिए। कोरोना के समय में जो लोग मनुवादी मनुस्मृति को बोलते थे वही सोशल डिस्टेंसिंग का गुणगान कर रहे थे, वही तो मनुस्मृति में लिखा है, तो वही तो स्थापित है कि उसी से चलेगा, विश्व उसका अनुसरण कर रहा है। और भारत में उसको लोग ईर्ष्या द्वेष करते हैं और जेएनयू में कहता है ब्राह्मण भारत छोड़ो। भाई ब्राह्मण भारत छोड़ेगा तो अस्तित्व बचेगा क्या भारत का? एक सवाल सर, संस्कार तो एक मुद्दा है और संस्कार से ही देश चलता है और ये बात सर्वविदित है कि संस्कार को बनाने उसे स्थापित करने का पौराणिक जवाबदेही ब्राह्मणों के ही पास था और अभी भी है। आज ये इस संस्कार को स्थापित करने वाले ब्राह्मणों के स्वाभिमान को जगाने का यह सम्मेलन करने की क्यों जरूरत पड़ी? या इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे समाज में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो गाहे बगाहे अनावश्यक क्रियाकलाप में लिप्त रहते हैं। हम उनको भी सुधारना चाह रहे हैं कि ये ब्राह्मण आप ऐसे नहीं थे, आप जैसे थे वैसे स्वाभिमानी बनो ना। ठीक है, हम अपने ही समाज के लोगों को बेहतर बनाने में लगे हैं, किसी दूसरे समाज के लोगों को किसी तरीके का टिक्का टिप्पणी या नीचा दिखाने का काम ब्राह्मण महासभा ने 15-16 साल में नहीं किया है। और हम तो यह जोड़ेंगे कि यह संकल्प ही जिस दिन हुआ था उस दिन सिर्फ ब्राह्मण ने संकल्प नहीं लिया था, आपके जैसे गैर ब्राह्मण ने भी संकल्प लिया था। और हमको याद है कि आपका सिनेमा हॉल का सब टेंट, सब लाउड स्पीकर और सब कुछ उसके लिए यूज हुआ था, तो आपने इसके लिए नहीं दिया था गैर जातीय होके। ठीक है कि हम जाकर के जातिवाद करेंगे, आपको यह विश्वास था या आपके और जो सहपाठी थे जो आपके कोलीग थे उन सबको विश्वास था कि हम जिसको दे रहे हैं ठीक है वह कभी जातीयता नहीं करेगा, जातिवाद नहीं फैलाएगा। हाँ, अपनी जाति को अच्छा करना, हम अपनी जाति के गरीब को ऊंचा करना, यह जातिवाद नहीं होता, वह तो ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणवाद नहीं। ये इंजीनियर साहब है और इंजीनियर दिमाग से बहुत तेज होते हैं, बातों ही बातों में हमें भी अपने 16 साल अतीत में ले गए थे। ये बात सही है कि 16 साल पहले जब इसकी स्थापना की बातें आई थी तो मैंने भी काफी सहयोग किया था और अपने बाइक पर मैं दरी डाल करके बैठक स्थल पर ले जाया करता था। फिलहाल वो संगठन आज फल फूल रहा है और मैं जाति की राजनीति से अलग हट के आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ जो आपके भविष्य और थोड़ा तीखापन से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आप अपना दमखम दिखा रहे हैं क्या? हम राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दमखम तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन वो अपनी भागीदारी के लिए नहीं कर रहे हैं, समाज की भागीदारी के लिए कर रहे हैं। हमारे समाज की इतनी संख्या होने के बावजूद हमारे जिस ब्राह्मण नेता को उपेक्षित और अपमानित किया जाता है हम उसके लिए यह प्रदर्शन कर रहे हैं, उस राजनेताओं के लिए कर रहे हैं कि आप किसी का केयर टेकर मत बनो, आप में नेतृत्व करने की क्षमता है। और खास करके जो स्थानीय विधायक हैं हमारे, 3 बार चीफ मिनिस्टर के बेटा हैं और सबसे अंतिम जो ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर हुए हैं वो डॉक्टर साहब हुए हैं जो इसी धरती से विधायक हुआ करते थे, उनके बेटा का ये हालत हो जाएगा कि उनको नोटिस नहीं लेगा? और हम लोग नोटिस दिलवा देंगे और हम उन सब नेता के पीछे खड़े होने वाले हैं। हम अपनी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं, हम समाज की महत्वाकांक्षा के लिए, इसीलिए स्वाभिमान सम्मेलन हुआ है। यह स्वाभिमान सम्मेलन इसीलिए है कि हमारा स्वाभिमान ऐसा है कि हम नेतृत्व करेंगे और आपको हमको फॉलो करना पड़ेगा। ब्राह्मण तो दशा दिशा तय किया है, ब्राह्मण पिछलगु नहीं रहा है और हमारे नेता भी पिछलगु हो गए हैं, तो हम उनको भी कहते हैं कि पिछलगु मत होइए, आइए मैदान में। इसीलिए हम सबको आमंत्रण किए थे कि आइए ना सीधा सीधी। और हम धन्यवाद देते हैं विनोद बाबू का, जो अकेला वो शख्स थे, सभी जनप्रतिनिधियों को हमने आमंत्रित किया था लेकिन अकेला एक शख्स है जो बेनीपट्टी विधायक होके यहाँ आए, मन की बात थी वह कार्यक्रम करके आए।
तो हम उनको भी धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि आने वाले जो हमारा सम्मेलन है उसमें सभी ब्राह्मण नेता आवे। आप क्यों डरते हैं भाई? ब्राह्मणों के जोश को, स्वाभिमान को जगाने के लिए हो रहे इस सम्मेलन में संयोजक के रूप में रहने वाले इंजीनियर साहब से अंत में एकमात्र सीधा सवाल, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो आ रही है बिहार में, उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? अभी वह नहीं तय किया जा सकता है, यह डिपेंड करता है हमारे समाज के लोगों पर। जैसा आज देख रहे हैं अपार भीड़, खड़ा होने का जगह नहीं है लोगों को। यदि ऐसा चलता रहा तब रणनीति बनाई जा सकती है, लेकिन अभी क्या कहें। और मैं एक बात और बता देता हूँ आप लोगों को कि आप तो कम से कम जानते हैं कि हम जिस समय में यह शुरू किए उस समय में मैं भाजपा का जिला प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष हुआ करता था और मैं सर्व शिक्षा अभियान में इंजीनियर भी था। हमने इंजीनियर की जो जवाबदेही थी उसको दौर पे लगाया। दुकान हमारा सर्वस्व अच्छा था, आपके कई बार गए हैं दुकान पे, वो दुकान हमारा खत्म हो गया। दो बार हार्ट अटैक हुआ है, उसके बावजूद आप चश्मदीद गवाह हैं, आप सब गवाह हैं, अब तो पूरा समाज गवाह है कि उसके बाद जब मैं आईसीयू में रहता हूँ तभी मैं उसमें रहता हूँ, आईसीयू के दूसरे दिन हम कार्यालय का उद्घाटन कर ले होते। सर अंत में एक सवाल, आप सीधे वोटिंग राजनीति में आएंगे? मैं नहीं कह सकता हूँ, हम अपने समर्थक का मनोबल तोड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है, और हमारी इच्छा भी नहीं है। बहुत ही घुमा फिरा करके सारी बात कह रहे हैं, है नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे बाद में तय करेंगे, इतनी जरूर बात है कि ये अपनी ताकत और अपनी स्वाभिमान को जगाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन करने का जो इनका सपना था उसको साकार किया है। धन्यवाद आपको सम्मेलन। धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद। यहाँ पर इस सम्मेलन में राकेश कुमार मिश्रा जी, राकेश मिश्रा जी, मैं सुधार लिया हूँ, और ये भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, भाजपा के रूप में ही इनकी पहचान है हम लोग जैसे जानते हैं। आज ब्राह्मण महासभा का ये जातीय सम्मेलन है, स्वाभिमान सम्मेलन, उसमें पहुंचे हैं। कुछ बताएं आप अपने बारे में और इस सम्मेलन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं, पत्रकार मैं पहले ब्राह्मण हूं फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और बिहार में मेरे पास एक डाटा है जो 90 लाख ब्राह्मण है, तो हम सब अगर एक हो जाए तो किसी का चलने बचने वाला नहीं है। पहले मैं ब्राह्मण हूं फिर कुछ हूं। आप पहले ब्राह्मण है फिर कुछ है, अच्छी बात। आप भाजपा में भी है क्या? भाजपा में ब्राह्मण उपस्थित है? सीधा सवाल, किसका जवाब मैं माइक पर नहीं दे सकता। अन्य किसी राजनीतिक दल में भाजपा उपेक्षित, ब्राह्मण उपेक्षित है? जी उपेक्षित है। आप जिस दल में है उसकी बात नहीं करेंगे, अन्य दल में खुल के बोलेंगे उपेक्षित है? आप ऐसा देखिए, मैं आप देखिए, ब्राह्मण की जहां तक बात है, उपेक्षित की बात है, दरभंगा प्रमंडल में कितने लोकसभा क्षेत्र है? एक सीट में हमारे गोपाल जी ठाकुर माननीय सांसद है। सर घुमा फिरा की बात नहीं, आप या तो कहें भाजपा में ब्राह्मण उपेक्षित है या नहीं कुछ उपेक्षित नहीं है, ब्राह्मण उपेक्षित नहीं है जी। फिर भी हम लोग अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ब्राह्मण उपेक्षित नहीं है। आप राकेश मिश्रा जी को सुना, वो मजे हुए राजनीतिक बाज हैं, और पहले ब्राह्मण फिर भाजपा के नेता, अन्य लोगों से भी मैं आपको मिलवाता हूँ, आप वहीं रहिए। एक व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं और काफी मजे हुए राजनीतिक बाज भी हैं, आत्माराम ठाकुर बेलौचा से हैं, वैसे तो वो भाजपा समर्थक हैं, ब्राह्मण महासभा में आए हुए हैं। आत्माराम जी आपका स्वागत है जी। इस संगठन को, इस स्वाभिमान सम्मेलन करने की क्यों जरूरत पड़ी, एक ब्राह्मण के रूप में आप बता दें। ब्राह्मण पिछले, मैं अपनी उम्र के हिसाब से अनुभव किया, पिछले 32 बरस से ब्राह्मण के नौजवान सब और कुछ ब्राह्मण सब अपने सुतत को खो चुके हैं, जो कि ब्राह्मण की बहुत बड़ी ताकत थी, उस ताकत को कमजोर होने लगे। तो हमने आज से 10 साल पहले आशुतोष जी हमसे मिले इंजीनियर साहब, तो मुझे लगा कि कोई भी ब्राह्मण के समर्थन और स्वाभिमान के लिए कोई ऐसा समर्पित भावना से आया है, तो मैं पिछले 12 साल से उनके साथ एक सक्रिय सदस्य से कार्यकर्ता के रूप में दिन रात मेहनत करता हूं और ब्राह्मण की स्वाभिमान और गांव-गांव में इसका मैं प्रचार किया हूं।
हर जगह जाता हूँ और आशुतोष जी के साथ, और मैं ब्राह्मण का स्वाभिमान, और उन्हें बताता हूँ कि आपके पास बहुत ताकत है और अपनी ताकत को पहचानिए और अपने अस्तित्व को देखिए। आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, एकदम छोटा सा, हाँ ना में जवाब दे दीजिएगा। ठाकुर जी, आप भाजपा के समर्थक रहे हैं और अभी राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के साथ हैं, अगर जीवन में आपको भाजपा या ब्राह्मण महासभा दोनों में से एक चुनने का मौका मिला तो किसे चुनेंगे, किसे ठुकराएंगे? पहले तो मैं ब्राह्मण को चुनूंगा, जो कि मेरी मूल संस्कृति है। जी हाँ, आपने स्पष्ट इनकी बातें सुनी, इन्होंने कहा कि अगर दोनों में से एक को चुनना होगा तो मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण महासभा को चुनूंगा। यहाँ पर आए हुए सभी लोग जोश से भरे हुए हैं, सभी राजनीतिक दल विकास की बात करते हैं, वोटिंग भी विकास पर होती है, लेकिन यह सच है कि बिहार में आज भी जातिवाद की राजनीति चलती है। विकास की बात कहने वाले, ब्राह्मणों की बात कहने वाले और अन्य तमाम प्रकार के बिहार में जातीय सम्मेलन हो रहे हैं, जातीय जनगणना का भी राजनीतिक दलों ने एक मुद्दा बनाया हुआ है। सभी बातों के पीछे इतना तो तय है कि विकास और स्वाभिमान की बात कहने वाले लोग जब टिकट बंटवारा के लिए आते हैं, जो हमारे उच्च राजनीतिक दल है, तो जातीय कैलकुलेशन भी देखते हैं। वह यह देखते हैं कि किस क्षेत्र में किस जाति का कितना ज्यादा वोटर है, उसी जाति को उम्मीदवार को हम चुनाव में लाएंगे। ऐसा प्रायः हिंदुस्तान से लेकर बिहार तक में हो रहा है, बिहार में तो यह कुछ ज्यादा ही है। ऐसे में यह जातीय गठबंधन टूटे ये तो आने वाले समय में बताएगा, लेकिन अपने अस्तित्व, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपनी ताकत को दिखाने के लिए आज झंझारपुर ब्लू हेवन में जो ये ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन हुआ है, वो राजनीतिक दलों को, तमाम राजनीतिक दलों को एक संदेश तो दे रही है और बता रही है कि मुझे उपेक्षित करोगे तो तुम चैन से नहीं बैठोगे, ये संदेश दिया है इन्होंने। और अन्य शुभकामनाओं के साथ आप देखें इन्हें, अन्य भी जानकारी देता रहूंगा। सर, आज ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन में आप आए थे और तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था, मगर आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या विशेष इस कार्यक्रम की उपयोगिता थी? मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, जितनी बड़ी संख्या में उन्होंने आज ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया, ये उत्साहवर्धक है। सभी जातियाँ अपनी अपनी जातीय सम्मेलन करती है और डंकी की चोट पर करती है, तो ब्राह्मण करे इस पर कोई बुराई नहीं है। आज ब्राह्मण के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है और ये संगठन उन साजिशों को नाकाम करने में सफल होगा, मेरा इतना भरोसा है, और इसलिए ये संगठन आगे भी बढ़े और आगे भी इसकी और ताकतवर हो, ये मेरी इच्छा है। और इसीलिए मैं आज पटना से चलकर आया, जबकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जो और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती है, ब्राह्मणों के सिरमौर थे, तो उस पावन अवसर पर जब इन लोगों ने आज आयोजन किया है, तो उसी उन्हीं की सफलता की तरह ये आयोजन भी सफल होगा, ये मेरा विश्वास है। सर, प्राय देखने में आ रहा है कि ब्राह्मणों के इस सम्मेलन में जो हमारे बड़े ब्राह्मण राजनेता हैं, वो कुछ दूरी बना के रह रहे हैं। मैं जो कौन नहीं आया, कौन आया, इसके बारे में तो आयोजक बताएंगे, लेकिन सभी को आना चाहिए। क्या जब दलित सम्मेलन होता है तो उसकी कोई पार्टी रुकता है क्या? जब बाकी समाज का होता है तो कोई दल रुकता है क्या? तो यहाँ भी सभी समाज को, वो किसी भी दल के ब्राह्मण हो, उन्हें आना चाहिए और आकर के समाज की एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए, ये जरूरी है। जी हाँ, तो देखा आपने कि जो जो आज जो है झंझारपुर में जो ब्लू हेवन होटल में जो है ब्राह्मण महासभा के द्वारा जो है स्वाभिमान सम्मेलन संगठन चलाया जा रहा है, और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हर गांव से अलग अलग क्षेत्र से जो है यहाँ पर ब्राह्मण इकट्ठा हुए हैं, हजारों की संख्या में जो है ब्राह्मण आए हुए हैं और सभी अपना अपना विचार रख रहे हैं, और इसी दौरान हमने जो है आपको पूरी पूरी जानकारी दी है, और देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।